तो गाइस कैसे हो आप? मेरे हिसाब से आप एकदम मस्त होंगे एंड आपकी तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं मंकी किंग वर्सेस शक्तिमान की। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों कितने ज्यादा पावरफुल बींग्स अपने अपने यूनिवर्स के हैं। मंकी किंग जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि लिटरली गॉड लाइक स्ट्रेंथ रखता है, और ये सिर्फ अपने एक ही पंच से मेटावर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर मैंने मेटावर्स की बात करी, ना कि यूनिवर्स ना कि ओमनिवर्स, ये ओमनिवर्स से भी ऊपर होता है मेटावर्स। ये मेटावर्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने सिंगल पंच से। एंड इसके पास है रियलिटी मैनिपुलेशन एंड ये एनर्जी मैनिपुलेट भी कर सकता है एंड ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये काफी सारी सुपीरियर पावर्स भी रखता है अपने पास। एंड ये एक ना ही ओमनीसाइंट ना ही ओमनीपोटेंट एंड ना ही ओमनीप्रेजेंट एंड ये एक इमोर्टल बीइंग है। एंड ये सबके साथ मंकी किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग बन जाता है। लेकिन क्या ये शक्तिमान को हरा सकता है? जो शक्तिमान जो कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ रखता है एंड पांचों एलिमेंट्स को इजिली कंट्रोल कर सकता है। एंड इसके पास है टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, क्लोन मैनिपुलेशन एंड ये अपने साथ को भी शिफ्ट कर सकता है। और ये कुछ हद तक तो रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और ये ओमनीपोटेंट है और ये पूरी तरीके से इमोर्टल बीइंग है एंड इन्हीं सभी पावर्स के साथ शक्तिमान बन जाता है इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। बट वो इतनी पावर रखता है कि वो मंकी किंग को डिफीट कर सकता है या नहीं, चलो देखते हैं। सो सन बुकोंग यानी कि मंकी किंग, इसके ऊपर काफी सारी मूवीज एंड सीरीज भी बन चुकी है एंड ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरो भी रहा है। और अगर इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर वुमन फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक एंड इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ एंड ये सिर्फ अपने एक ही पंच से पूरे पूरा मेटावर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मैं यहाँ पर यूनिवर्स की मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेटावर्स की बात कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा सन बुकों की स्पीड भी काफी ज्यादा है, वो लाइट ऑफ स्पीड से 10 गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। एंड इतने ही नहीं, अगर मैं इसकी सारी पावर्स आपको गिनाने बैठूं तो मुझे बताते शाम हो जाएगी। मगर मंकी किंग की पूरी ओरिजिन पावर से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। फिर इसके अलावा उसके पास है एनर्जी एंड लाइटिंग मैनिपुलेशन, यानी कि पूरी तरह की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकता है एंड ये फ्लाई भी कर सकती है यानी कि ये उड़ भी सकता है एंड ये जूस की तरह अपने साइज को भी बड़ा या छोटा भी कर सकता है अपने बिल के हिसाब से एंड ये अपने मल्टीवर्स को क्लोन भी जनरेट कर सकता है एंड ये एस्टर फॉर्म में भी जा सकता है एंड इसमें किसी भी टाइप के मैजिक का असर नहीं होता है एंड ये इनविजिबल भी हो सकता है एंड ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है एंड ये पोर्टल को भी जनरेट कर सकता है एंड ये वेदर को भी पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वो फायर वोटर हर तरीके के एलिमेंट्स एनवायरमेंट में रेजिस्टेंस हो रखा है, यानी कि वो कभी भी नहीं मर सकता। वो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे के माइंड से भी वो खेल सकता है एंड ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड उसकी इंटेलिजेंट काफी ज्यादा है एंड उसकी इंटेलिजेंट भी काफी ज्यादा ऊपर तक है। उसकी इंटेलिजेंट उसे बना देती है नाइन ओमनीसाइंस, यानी कि उसके पास हर चीज की नॉलेज है जो कि यूनिवर्स की कॉस्मिक लेवल पे चल रहा है ना, उसकी सबकी नॉलेज मंकी किंग के पास हो रखी है। एंड भाई इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है जो कि मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो इसके पास इसके डेडली वेपन्स, जिसमें उसका सबसे पहला वेपन आता है मैजिकल गोल्डन क्लोज रोड एंड ये उसका प्राइमरी वेपन होता है एंड ये ज्यादातर फाइट में अपने इस वेपन का यूज करता है। और जो ये वेपन है ना, अपने बिल के हिसाब से सेल्फ शिफ्टिंग भी कर सकता है एंड इस वेपन से सन बुकों डेडली एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है अपने ओपोनेंट पर। एंड ये उसके पास है स्पिनर वेदर कैप क्लाउड्स ऑफ कैंपिंग, और ये दोनों वेपन उसकी काफी ज्यादा हेल्प करती है बैटल में। और अगर उसकी इस वेपन को भी हटा दिया जाए तो सन बुकोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है। सन बुकोंग के पास है लिटरली 72 पावरफुल फॉर्म्स, जैसे कि लाइक सेन वाई सेनफा। इस फॉर्म में मंकी किंग अपने बॉडी से हेयर निकालकर अटैक कर सकता है और वो जो हेयर रहते हैं ना, वो बन जाते हैं सन बुकोंग के मल्टीपल्स ऑफ क्लोन, जो कि सेम उतनी ज्यादा पावर होल्ड करके रखता है। इसके अलावा सन बुकोंग कर सकता है लिम मैनिपुलेशन, यानी कि वो बहुत सारे हाथ, सर, पैर भी क्रिएट कर सकता है। एंड इसके अलावा इसके पास है बहुत टाइप ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज एंड स्किल। इन सभी पावर्स की बात तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हो कि मंकी किंग कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग है। बट अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन सुपर हीरो यानी कि शक्तिमान की, उसके पास क्या क्या एबिलिटीज एंड क्या क्या पावर्स है, चलो देख लेते हैं। तो शक्तिमान के पास है गॉड लाइक पावर एंड एक इंडियन सुपर हीरो है। जहाँ तक बात करें इसके ट्रू पावर्स की, तो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। इससे अपने सारे पावर्स मिली है ऋषियों की वजह से, जैसे कि लाइक फायर, वाटर, एयर, स्काई, लैंड। और इसकी जितनी भी पावर्स है ना, वो उसके चक्रास की वजह से इसे मिली है, जिसमें उसका सबसे पहला चक्र आता है एनर्जी चक्र, जिससे उसके पास जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एनर्जी ब्लास्ट, लेदर सूट, फ्लाइंग एबिलिटी। और इसके पास है सुपरमैन जैसी फ्रीज एबिलिटी, यानी कि इस एबिलिटी से किसी को भी बर्फ में जमा सकता है। और इसके अलावा इसके दूसरे चक्र का नाम में क्रिएटिव चक्र, और इस चक्र की पावर से लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बट उसे इस चक्र की पावर्स को यूज करना इतना अच्छे से नहीं आता है, उसे इस चक्र की पावर्स यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है। मतलब ये कहीं पर भी इस चक्र की पावर्स को यूज नहीं कर सकता है। और फिर इसके पास है एस्ट्रल चक्र, और इस चक्र की हेल्प से ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एस्ट्रल फॉर्म में जा सकता है।
यानी इनविजिबल भी हो सकता है, और फिर उसके पास आता है उसका हाफ चक्रा। इसके हेल्प से वो किसी के भी माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकता है, और फिर उसके पास जाता है उसका वाइब्रेशन चक्रा। इसके हेल्प से वो किसी भी टाइप की वेव को डिटेक्ट कर सकता है और किसी भी टाइप के वेव को कंट्रोल मैनिपुलेट भी कर सकता है। और फिर इसके पास है उसका साइक्लिक चक्रा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। इसके हेल्प से इसके पास सारी तरीके की साइक्लिक पावर्स भी आ जाती है, जैसे कि लाइक टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक, टेलीपोर्टेशन, और इन्हीं चक्रों की पावर से बन जाता है नाई ओमनिसाई नाई ओमनिपोटेंट। एंड एक प्योरली इमोर्टल बीइंग, ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, एंड ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है, एंड हाँ ये मरे हुए इंसान को भी वापस जिंदा कर सकता है, और ये रियलिटी को भी कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, मगर छोटे लेवल पे। सो हमने इन दोनों की पावर्स को जान लिया, एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग्स है। बट क्या अगर ये दोनों आमने सामने जाए और लड़ना शुरू कर दे, तो कौन होगा इस फाइट का विनर? आओ देखते हैं। तो भाई देखो, शक्तिमान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग, मैं भी मानता हूँ, बट वो यार इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं रखता है कि वो मंकी किंग को हरा सके। क्यों? क्योंकि मंकी किंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बींग है, एंड वो एक गॉड है, एंड वो मेटावर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और शक्तिमान की बात करें तो हमें शक्तिमान का भी यही नहीं पता कि भाई वो मल्टीवर्स कैरेक्टर है या फिर ओमनिवर्स कैरेक्टर है। हमने उसकी पावर्स देखी है, बट वो यूनिवर्स के लेवल पर देखी है। बट अगर मंकी किंग की बात करें तो वो मेटावर्स के ऊपर है, यानी कि वो मल्टीवर्स ओमनिवर्स से भी ऊपर मेटावर्स में एग्जिस्ट करता है। और शक्तिमान भाई हमने यूनिवर्स के अंदर ही उसकी पावर्स को देखा है, इसलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन में मंकी किंग को वोट देना चाहूंगा। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।